में एक सनरूफ गारंटीड नॉन एक्सीडेंटल कार। हम एक्सीडेंटल गाड़ी बेचते ही नहीं हैं, डीलिंग ही नहीं करते आप उसमें, हम डील ही नहीं करते। सो वेले व्हाट्स अप एवरीबॉडी, यू आर फ्रॉम मी सेन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। तो ये जैसे कि आज हमारा वीडियो होने वाला है कार से रिलेटेड, आज मैं आपको लग्जरी सेगमेंट की एक कार दिखाने वाला हूँ। काफ़ी हद तक वो अच्छी ब्रांड है, आप सभी को पता होगा वो लग्जरी सेगमेंट में किस लेवल पे काम करती है वो ब्रांड। दिस इज़ अ जर्मन ब्रांड, आज हम उसके बारे में आपको सारी डिटेल बताने वाले हैं। काफ़ी सारी कार्स हमारे पास बाहर अवेलेबल है अभी भी, बट आज कंसेप्ट यही रहता है मेरा हमेशा कि एक कार आपको अच्छे से पूरी डिटेल में बताऊँ। तो अभी हम आ चुके हैं भैया के ऑफिस के अंदर, तो हम भी हमारे साथ है रवीश भैया। क्या हाल है भैया? बस जी बढ़िया। तो भैया एक बार हमारे व्यूअर्स को हाय बोल देते। हाय, तो दिस इज रवीश फ्रॉम कार ट्रेंड्स पटेल नगर। ओके भैया, और आप कौन सी कार्स में डील, मतलब बेसिकली आपकी कौन सी फेवरेट ब्रांड है? मैं हर किसी से पूछता हूँ जिसके साथ भी मैं जाता हूँ ना, कि आपकी फेवरेट ब्रांड कौन सी है जो आपको पर्सनली बहुत पसंद हो। सो पर्सनली जो गाड़ी मुझे सबसे ज्यादा पसंद है ना, वो मैंने अभी तक यहाँ बेची नहीं है, फोर्ड मस्टैंग जीटी। फोर्ड मस्टैंग, तो मैं जब यूएस में था तो मैंने पहले निसान मैक्सिमा रखी, फिर फोर्ड मस्टैंग जीटी रखी थी। तो मुझे फोर्ड मस्टैंग बहुत पसंद है, वो मैंने यहाँ नहीं बेची, बल्कि मैंने यहाँ बेंटले बेची है। बेंटले बेच चुका हूँ, लेकिन मस्टैंग को इंसिडेंटली कभी बेच नहीं पाया, कभी प्रोक्योर नहीं कर पाया। कॉम्बिनेशन ऑफ पावर एंड कंफर्ट, वो बीएमडब्ल्यू में कुछ मतलब उसका कंपैरिजन नहीं है। और आज की कार भी फिर वही होने वाली है, बीएमडब्ल्यू की कोई। तो एक बार भी आप बता देते कि आज की कार कौन सी होने वाली है। आज आप बताओ कौन सी करोगे। बीएमडब्ल्यू जीटी है मेरे पास, बीएमडब्ल्यू जीटी कर लो, 2016 है। बीएमडब्ल्यू की बात कर ही लिया तो बीएमडब्ल्यू जीटी ही करते हैं। तो फिर अगर वैसे मेरे पास X1 भी है, 2019 मॉडल है, सिर्फ 8000 चली, लेकिन आप जीटी करो। आज जीटी करते हैं, उसको नेक्स्ट के लिए रखते हैं। हाँ, नेक्स्ट के लिए रखो। जीटी बहुत ना डिफरेंट कार है वो, मतलब 3 सीरीज से ऊपर है, स्पोर्ट्स का भी उसमें है, सेडान भी है, मतलब इट्स अ वेरी गुड कार। तो आप जीटी करो। तो अब चलते हैं बाहर और करते हैं फिर जीटी को रिव्यू। तो गाइस लेट्स गो। अब सबसे पहले बात करते हैं, अभी जब हम कार में बैठे हैं, वो हमारी BMW की 3GT ग्रैंड टूरिस्मो कहते हैं। ओके, तो ये ना कूपे शेप में होती है, कूपे शेप में होती है। इसमें इसे कह सकते हैं आपके स्पोर्ट्स का भी, आपको स्पोर्ट्स कार की भी फील आएगी और आपको एक लग्जरी कार की भी फील आएगी। तो यू के लग्जरी, तो BMW का नाम ही लग्जरी सेगमेंट आ जाता है, मतलब लग्जरी तो है ही, लेकिन साथ में स्पोर्ट्स कार। इसमें आपने शायद पीछे देखा नहीं, मैं अभी आपको दिखाता हूँ इस बाहर जब निकलेंगे, इसमें स्पॉइलर भी है। अच्छा, तो इसमें स्पॉइलर है, स्पॉइलर निकल जाता है, स्पॉइलर अंदर चले जाता है, ऑटोमेटिक निकल जाता है, ऑटोमेटिक। ये बटन है जी, अच्छा वहाँ पे बटन है, दबाएंगे, मैं भाई को बोलूंगा, ये बटन दबाएंगे तो पीछे स्पॉइलर बाहर निकल आएगा प्रोट्रूडिंग, और फिर वापस अंदर चले जाएगा। अच्छा, ऑटोमेटिक। ये न्यू शेप है, ये स्क्रीन जो है ये आप देख सकते हैं। कौन सा मॉडल है ये? अक्टूबर 2016 का मॉडल है, 32,000 किलोमीटर चली हुई है, एंड ऑल जेन्युइन गाइस, कोई और फालतू काम नहीं है कि मीटर बैकिंग का काम, ऑल जेन्युइन कार है पूरी। सर हमारे ना मतलब ये लग्जरी कार्स में मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों का माइंडसेट या तो ऐसा ही होगा, एटलीस्ट मेरा तो है ही, कि मतलब मेरा बिलीव ये है कि गाड़ी वो दो, मैं गाड़ी वो बेचता हूँ जो मैं खुद रख सकता हूँ। जो आपको इतनी सारी गाड़ी लेके रखना, कोई मतलब जो गाड़ी मैं वही गाड़ी बेचूंगा जो अगर मुझे खुद रखनी है ना, तो मैं
कोई भी गाड़ी का सिलेक्शन जो है ना, मेरी जो क्वालिटी टीम है उसको इंस्ट्रक्शन एक ही है कि अगर आप खुद रख सकते हो वो गाड़ी प्रोक्योर कर लो, ठीक है। अगर आप खुद नहीं रख सकते तो वो गाड़ी हमें अपने कस्टमर को भी नहीं बेचनी। गैस अभी मैं वीडियो के एंड में ऑफिस सब दिखाऊंगा, मतलब इतनी बड़ी जगह पे बैठ के जो कार्स रखी हुई हैं उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं होगा। अगर आप आ रहे हो दुकान पे तो एक रिलेशन बना रहे हो भैया के साथ ताकि आप आगे भी डीलिंग करो। अगर एक कार ले जा रहे हो आगे दो लेके जाओ। एग्जैक्टली। तो 2016 ना बड़ा ट्रिकी ईयर है। 2016 में ना छोटी स्क्रीन की पुरानी शेप की गाड़ी भी आती थी। पास से दिखा, ये स्क्रीन है यहाँ पे, तो छोटी स्क्रीन की पुरानी शेप की गाड़ी भी आती थी और ये न्यू शेप है। इसमें बड़ी स्क्रीन है, आप इसमें देखेंगे, इसमें आपका नेविगेशन भी है, देखिए इनबिल्ट नेविगेशन है, इसमें रिवर्स कैमरा भी है ताकि आपको पार्क करते टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें ब्लूटूथ तो सब में ही होता है। इसमें पैनोरामिक सनरूफ है, सनरूफ भी है इसके अंदर, वो भी डुअल वाला है। हाँ, बड़े वाला सनरूफ है। इसमें काफ़ी सारे मोड्स हैं, आप देखिए। हिंदुस्तान में वैसे ही इस गाड़ी की अपने आप में ही एवरेज बहुत अच्छी है। BMW का ये जो इंजन है, क्या एवरेज होगी सर? ये जो गाड़ी है ना, मैं ना एवरेज वो जो दिल्ली शहर में चलते हुए की आए वो 10-11 की है, लेकिन ये मतलब हो सकता है ये आपको 12-13 की एवरेज भी दिल्ली शहर में दे दे, लेकिन टूअर ऑन द साइड ऑफ कॉशन मैं आपको कम एवरेज बताऊंगा कि 10-11 की एवरेज तो देगी। वैसे ये 12-13 की एवरेज देगी, लेकिन आप हाईवे पे जाओगे तो 16 के करीब की एवरेज देगी। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डीजल इंजन्स मेड बाय BMW। इसमें फ्यूल एफिशिएंसी का बहुत ध्यान रखा था BMW ने। और इसमें मैं आपको मोड्स दिखा रहा था कि एक है इको प्रो, अगर आप बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट ड्राइविंग चाहते हैं, नेचुरल सी बात है थोड़ी पिकअप कम हो जाएगी इस मोड में और आपको पावर थोड़ी कम चाहिए, लेकिन यूजुअली शहर में आप चल रहे हो आपको कंफर्ट भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो आप कंफर्ट मोड। कल को आप हाईवे पर हो और स्पोर्ट्स मोड में जाना चाहते हो, जो कि जिसके लिए BMW जाना जाता है, पावर पिकअप के लिए जाना पावर, तो दैट पावर यू कैन गेट इन अ स्पोर्ट्स मोड। एंड इसके अलावा गाड़ी बहुत बहुत अच्छी है, बहुत कंफर्टेबल गाड़ी है। आपने देखा ही होगा कि 3 सीरीज की तरह क्रैम्प्ड नहीं है, काफ़ी एक्सपैंडेड और काफ़ी बड़ी खुली स्पेस है पीछे भी और आगे भी, बैठने की बहुत जगह है इसमें। वैसे अभी भी लेग रूम स्पेस आप देख सकते हो, मैंने पूरी सीट आगे करी हुई है, पूरा रिक्लाइन कर रखा है सीट को पूरी, अभी भी मेरा पूरा पैर अभी तक आगे जा रहे हैं। इसमें आपका ऑक्स और USB का इनपुट है। अच्छा, हैंड रेस्ट के अंदर। हाँ जी। तो भैया बात करते हैं इस गाड़ी के ब्लूटूथ डिवाइस के बारे में, तो भैया इसके बारे में कुछ बता दीजिए। तो एक तो इस पे फ़ोन कनेक्ट हो गया है, इसके अलावा हम इस पे सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं। सी आप अगर देखेंगे तो सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं, और मैं आपको ना साउंड क्वालिटी सुनाता हूँ जरा। और उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे जॉक डायल दिया हुआ है, इस चीज़ से आपकी पूरी स्क्रीन कंट्रोल होती है। तो अब सुनते हैं इसकी ऑडियो क्वालिटी, कार कैसा साउंड सिस्टम प्रोवाइड करती है। ड्राइविंग सीट पर आपको, ड्राइविंग साइड के डोर पर आपको चारों विंडोज़ का कंट्रोल मिलता है, पावर विंडोज़ लॉक करने का कंट्रोल मिलता है, साइड मिरर्स आप इसी से ही बंद कर सकते हैं, ठीक है, फोल्डेबल साइड मिरर्स हैं। देन यू ऑल्सो हैव अ डायल ओवर हियर टू एडजस्ट द मिरर्स, साइड मिरर्स आप लेफ्ट या राइट करके जैसे भी एडजस्ट करना चाहें। और ये जो कि मैंने आपको बताया कि स्पॉइलर बटन है, ये जो है इस गाड़ी की बेसिकली ब्यूटी यहाँ से शुरू होती है कि भाई पीछे स्पॉइलर की लुक आ जाती है ना। एक बार स्पॉइलर भी अब दिखाई देते हैं पीछे चल के। सो गाइस, अब मैं दिखाता हूँ आपको BMW GT3 का स्पॉइलर यहाँ पे है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं भैया को बोलूँगा ऊपर कर दे इसको। तो गाइस ये देखो, दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस कार। ये जो प्यारी सी चीज़ निकल के आ रही है जो आपकी विंड ब्लोइंग को एडजस्ट करेगी। अब मैं भैया को बोलूँगा एक बार अंदर डाल दे इसको। तो गाइस ये देखो, मतलब कितनी ज़्यादा स्मूथ तरीके से ये पूरा अंदर चला जाता है। तो ये तो पूछते हैं इसके फ़ायदे क्या होते हैं। सो भैया हमने पूरी कार तो अंदर से देख ली, अब बाहर है हमारे पास स्पॉइलर है, तो इसका मेन काम क्या होता है बेसिकली? स्पॉइलर जो होता है ना, बेसिकली इट इज़ यूज फॉर टेक्निकल रीजन। टेक्निकल रीजन क्या होते हैं?
कि जब आप गाड़ी बहुत तेज चला रहे होते हो तो स्पॉइलर ऊपर कर देते हो तो जैसे एरोप्लेन होता है, ठीक है, एरोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट होता है तो हवा को काटता है। और एक बार बूट स्पेस भी दिखा देते हैं, बूट लीटर स्पेस। गाइस अब इसका बूट स्पेस देखो, मतलब कितना ज़्यादा बड़ा है। आराम से इसके अंदर आपके 3-4 बैग ऑटोमेटिक आराम से पड़े रहेंगे। तो गाइस आप देख सकते हो इसके अंदर पहले से इतना बड़ा बैग पड़ा, और आगे आपने गाड़ी में स्पेस देखा, हम कितने प्यार से बैठे थे इसमें। इसमें आप एक और फ़ायदा देखिए कि आपको अगर गाड़ी बंद करनी है तो जस्ट हैव टू प्रेस द बटन, और ये ऑटोमेटिक, और ये ऑटोमेटिकली नीचे। आप इस गाड़ी की शेप देख रहे हैं, नॉर्मल गाड़ी ये खड़ी है आपके सामने, ये नॉर्मल गाड़ी देखिए और ये देखिए इसमें कर्व कितना ज़्यादा है, इसको स्पोर्ट्स लुक दिया गया है गाड़ी को। और इसमें एक और चीज़ जो है वो है फ्रेमलेस डोर। फ्रेमलेस डोर इसमें आप देखिए कोई फ्रेम नहीं है, इट इज़ अ फ्रेमलेस डोर, और चारों दरवाजे ऐसे ही हैं। अभी हम बैठे हैं BMW की बैक सीट्स पे, तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पियानो फिनिश में जो काम हो रखा है कार के अंदर, ये यहाँ भी हो रखा है और ये आगे वाले पूरे डैश पे भी हो रखा है, साइड पैनल्स पे हो रखा है। अगर एक बार पीछे आप लेग रूम स्पेस देखो, अभी तो कार काफ़ी ज़्यादा आगे है, फिर भी आपकी जो, मैं भैया को बोलूँगा कार पीछे कर दे, मतलब कार की जो सीट्स हैं उनको पीछे कर दे, अभी भी आपकी जो लेग्स हैं वो ईजीली, मैं तो अभी थोड़ा हाइट में, मतलब जो एक 6 feet टॉल बंदा भी होगा वो भी ईजीली कार के अंदर बैठ जाएगा। और पीछे हमारे पास 2 AC वेंट्स हैं, मतलब जो पीछे बैठे हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको गर्मी ना लगे। के अंदर इस कार के अंदर सनरूफ भी है, जो एक मेन अट्रैक्शन होता है एक लग्जरी सेगमेंट कार का। तो मैं भैया को बोलूँगा एक बार इसको खोल के दिखाएं पूरा, तो गाइस जस्ट इन्जॉय दिस, कि इसके बाद अगर आपकी कार में कोई भी आपका फ्रेंड बैठा है, फैमिली मेम्बर बैठा है, अगर उसको हाईवे पर बाहर निकल के इन्जॉय करना है, और इसका सनरूफ देखो कितना ज़्यादा बड़ा है। सो गाइस ये थी आज की हमारी वीडियो की फर्स्ट कार, जो थी BMW की GT3। तो भैया इसके प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। इसकी प्राइसिंग जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो है 27,90,000। 27,90,000। और वैसे इसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी अभी के टाइम में? मार्केट वैल्यू इन द सेंस जो नई गाड़ी जो थी ये ऑलमोस्ट 59 lakhs के करीब, 60 lakhs के करीब दिल्ली में थी। आई थिंक 60 lakh प्लस थी, 10-12 हज़ार रुपये। तो और अभी ये कितनी चली हुई है? ये 32,000 ऑल जेन्युइन चली हुई है। ऐसा है जी, गाड़ी ऐसा है कि हमारे खुद के क्वालिटी पैरामीटर्स को मैं फिर से कहूँगा कि गाड़ी हम वही बेचते हैं जो हम खुद के लिए अगर खरीदने जाएं तो जैसी गाड़ी लेना चाहेंगे ना वैसी हम अपने कस्टमर्स को बेचते हैं। सो गाइस आप सोच रहे होगे कि इतनी सारी कार्स है पर हम आपको सारी को नहीं, बट गाइस यहाँ पे वो कंसेप्ट नहीं है कि आपको सिर्फ गाड़ी बाहर से दिखा दी जाए, प्राइस बता दिया ख़त्म कर जाए। मेरा और भैया का मोटिव यही रहेगा कि आपको पहले पूरी कार की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाए कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बाद अगर आपको पसंद आती है तो आप कार स्टैंड पटेल नगर आएँ, भैया से मिलें। आप हमेशा शॉप पे अवेलेबल होते ही होंगे? मैं ऑफिस में अवेलेबल होता हूँ हमेशा, आई एम जस्ट अ फ़ोन कॉल अवे। आप मेरे को व्हाट्सएप करो, आई विल बी अवेलेबल। आप सुबह 8:30 बजे के बाद मुझे मैसेज करो, 2016 रजिस्ट्रेशन, 2016 मैन्युफैक्चरिंग, 32,000 सिंगल ओनर डेली रजिस्ट्रेशन, पैनोरामिक सनरूफ, गारंटीड नॉन एक्सीडेंटल कार। हम एक्सीडेंटल गाड़ी बेचते ही नहीं हैं, डील ही नहीं करते आप उसमें, हम डील ही नहीं करते। और स्टॉक तो अपडेट होता रहता है गाइस, स्टॉक अपडेट हम आपको पॉसिबल से पॉसिबल जितनी भी कार्स आएगी भैया भी कॉपरेट करेंगे, तो हम आपको सारी कार्स की डिटेल देते रहेंगे। एक बार विजिट ज़रूर करें, भैया का नेचर काफ़ी अच्छा है, वो आपको कार्स के बारे में बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगता है तो यार कोई सी भी कार लेके जाओ, आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा। आप कहीं 5-1 lakh रुपए के नीचे चले जाओगे, आपको लगेगा कि सस्ती मिल रही है, बट उस सस्ते के चक्कर में आपको समझ नहीं आएगा कि कार के अंदर क्या प्रॉब्लम रह गई। आओ कार देखो, क्योंकि मैं आपको चीज़ें वही दिखाने वाला हूँ जो बेस्ट है, बेस्ट टू बेस्ट है भाई। गाइस जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, दिस इज मिस्टर वो व्लॉग्स विद रवीश भैया, वी आर साइनिंग ओवर टुडे, टिल देन बाय।